हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पे मैथ की प्रैक्टिस की क्लास चल रही है। तो आज हम एक और वीडियो में आपके लिए मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं से दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी है, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, ब्याज निकालनी है। तो स्वयं से कितनी हो रही है दोस्तों, तो हम मान सकते हैं दोस्तों मूलधन मान लेते हैं 1, तो 1 से कितनी हो रही है दोस्तों, 2 हो रही है, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। तो ये 2 क्या हो गया दोस्तों, मिश्र धन हो गया, ठीक है। हम इसमें दोस्तों माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। वो कितना निकलेगा दोस्तों, 1 निकलेगा, ठीक है। बट्टे मूलधन कितना दोस्तों, 1 है। गुणा करेंगे दोस्तों 100 का, ठीक है। बट्टे कितना वर्ष है दोस्तों, 8 वर्ष है, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे दोस्तों, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 25/2, तो 25/2 कितना हुआ दोस्तों, 25/2 हुआ तुम्हारा 12.2%, ठीक है। 12.2% इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हुआ, राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है वो देखते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। कितने दिन बाद पता चला दोस्तों, 64 दिन बाद, ठीक है। टोटल दिन कितने दोस्तों, 124 हैं, ठीक है। 2/3 कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 120 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 120 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 64 दिन में। कार्य कितना कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं 2/3, ठीक है। कार्य कितना कर रहे हैं, 2/3। हमको निकालना क्या है दोस्तों, M2 निकालना है, ठीक है, गुणा। अब यहाँ पे दोस्तों कितने दिन कार्य, कितने दिन हो चुके हैं, लगे हैं यहाँ पे 64 दिन। 124 में से 64 कर देंगे तो बचे दिन कितने दोस्तों, 60, ठीक है, 60/। शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 2/3 कार्य हो चुका है, तो इसमें 1 में से 2/3 घटा देंगे तो दोस्तों बचेगा कितना, शेष कार्य बचेगा 1/3। तो दोस्तों 3 से 3 काट देंगे, 2 से ये 120 को 60 बार काट देंगे, ठीक है, 60 से 60 काट देंगे, ठीक है। तो M2 बराबर दोस्तों कितना बचा, M2 बराबर बचा कितना, 64, ठीक है। तो हमारा M2 का मान कितना निकलाया दोस्तों, M2 बराबर कितना निकलाया, 64 निकलाया, ठीक है। कितना निकलाया, M2 बराबर 64, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 120, तो 120 में से हम क्या कर देंगे दोस्तों, जो 64 थे ये हमको हटाने हैं, ठीक है। तो 120 में से 64 हटा देंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 56 बचेंगे। कितने व्यक्ति बचेंगे, 56 व्यक्ति बचेंगे। तो 56 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। 56 क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों वो देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में करा, 18 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करा दोस्तों, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी ने कार्य को 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी ने क्या किया दोस्तों, 10 दिन तक कार्य किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। फिर कार्य किसने किया, ए ने किया। कितने समय में किया दोस्तों वो निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों टोटल कार्य निकालेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका 90 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 18 दिन में कितना काम हो रहा है, 90, तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 18 × 90, ठीक है। इसी प्रकार 15 दिन में कितना हो रहा दोस्तों, 90, तो बी का एक दिन का कितना यूनिट काम निकला वो निकाल लेंगे, 6 निकलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। 10 दिन तक तो बी ने 7 किया, तो दोस्तों कितना कार्य हुआ वो निकाल लेते हैं। तो 10 दिन तक बी ने किया, तो बी एक दिन का कितना दोस्तों, 6, तो 10 दिन का कितना निकलाएगा दोस्तों, 60 निकलाएगा, ठीक है। तो 60 कार्य दोनों लोगों ने किया है, ठीक है। अब दोस्तों कार्य कितना बचा, ठीक है, कार्य कितना बचा दोस्तों, 90 - 60 कर लेंगे तो कार्य कितना बचा दोस्तों, 30 बचा। अब 30 को कौन करेगा दोस्तों, अकेला ए करेगा। कौन करेगा, अकेला ए करेगा, ठीक है। तो ए कितने, एक दिन का क्षमता कितनी दोस्तों, 1 ही 5 है, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना दोस्तों,
5 है, तो यहाँ पे निकल आएगा दोस्तों 5 6 30, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 6, ठीक है। तो वो शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, ए 6 दिन में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या करना दोस्तों, पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना दोस्तों 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की क्या यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि ब्याज की दर और समय, समय और दर क्या है दोस्तों, बराबर हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R गुणा टी बराबर SI गुणा 100/P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, R गुणा R, क्योंकि समय दर के बराबर है तो R गुणा R कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, R उसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणा 100, तो 16 हो जाएंगे, ठीक है, 25, ठीक है। तो R का मान निकालेंगे तो दोस्तों इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो 16 100 कितना हो जाएगा, 25। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोस्तों कितना निकलेगा, 40/5। तो 5 से इसको काटेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। ये दोस्तों 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है, एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों। साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे साधारण ब्याज 100 का, ठीक है, और कितना देगा दोस्तों, 25 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो 25 का गुणा 25 से अब इसको काट लेंगे दोस्तों, तो 25 से 100 कितनी बार कटा दोस्तों, 4 बार, तो 5 चौक 20, तो 20/9 क्या निकलाए दोस्तों, 20/9 इसकी क्या निकलाई दोस्तों, दर निकलाई, ठीक है। तो 20/9 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों वो देखते हैं। यहाँ दे रखा है दोस्तों x² + 1 बराबर कितना दे रखा है, x है, तो x की प्लस 64 का मान क्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे पहले x का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे x का मान लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे दे रखा क्या है, x² + 1 = x, ठीक है। तो हम x को इधर की साइड पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों किसकी हो जाएगी, x माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोस्तों दोनों तरफ x + 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो x² + 1 - x, ठीक है, अगर दोनों तरफ हम दोस्तों क्या करें, x + 1 से गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 में x + 1 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों x³ + 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वो हो जाएगा दोस्तों x² + 1 - x और एक कोष्टक में x + 1, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का, aq + bq का क्या होता है दोस्तों, a² + b² - ab, ठीक है। तो यहाँ पे a² + b² - ab और एक कोष्टक में a+b, तो ये बन क्या रहा दोस्तों, xq + 1 का q, क्या फॉर्मूला बन रहा दोस्तों, xq + 1 का q, क्या फॉर्मूला बना, xq + 1 का q बन रहा है, ठीक है। बराबर कितना दोस्तों, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, x + xq + 1, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकला गया दोस्तों, x का मान क्या निकला, x - 1 निकलाया, ठीक है, क्या निकलाया, x - 1 निकलाया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लगा देंगे xq + 64 में, ठीक है। तो x की जगह पे मान लगा देंगे तो दोस्तों -1 का q कितना होगा, -1 होगा, ठीक है, +64, तो 64 में तो दोस्तों -1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 63। तो 63 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, 91% of 64 + 28% of 104 डिवाइड बाई कितना दे रखा है दोस्तों, 312% of 35, क्वेश्चन मार्क, ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम अगर ऐसे परसेंटेज दोनों ऊपर से परसेंटेज कॉमन निकाल के नीचे वाली परसेंटेज को काट देंगे, ठीक है।
ऊपर से परसेंटेज निकाल के नीचे वाली परसेंटेज वो कट जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 63 97 13 गुणा कितना दोस्तों, 64, ठीक है। प्लस अब यहाँ से कॉमन मिला तो दोस्तों 4 बचा और कितना दोस्तों, 104 है, ठीक है। बट्टे नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 312 है, ठीक है। 312 है दोस्तों, 312 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 312 को, 312 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 24, ठीक है। 13 गुणा 24, 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 5 31। तो 312 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 312 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 24, ठीक है। गुणा 35 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 गुणा 5, ठीक है। 7 से 7 इसको काट देंगे, ठीक है। ऊपर से दोस्तों 13 और कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 64 प्लस 13 8 कितना होता है दोस्तों, 13 8 104, ठीक है। तो यहाँ से 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 कॉमन मिल चुका है, तो यहाँ से 13 से 13 को काट देंगे, ठीक है। बचेगा कितना दोस्तों, 24 बचेगा गुणा 5 बचेगा, ठीक है। 13 से 13 कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये कितना हुआ तुम्हारा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 96 हुआ, ठीक है। 96 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 गुणा 5, ठीक है। तो ये इसको काट लेंगे दोस्तों, कितना बचा, 24 चौका 96, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 4 बट्टे 5 बचा, कितना बचा दोस्तों, 4 बट्टे 5, ठीक है। अब 4 बट्टे 5 अब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 5 से नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 8 5 40, ठीक है। तो क्या आंसर निकला दोस्तों, 0.8, तो 0.8 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया क्या वो देख सकते हैं आप लोग। इसमें दोस्तों दे रखा है 1/2401 की पावर, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या अंक आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5 गुणा 49 की पावर कितना दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा है, 49 की पावर 0.125, ठीक है। डिवाइड बाई 1/343 की पावर कितना दोस्तों, 1/6, ठीक है। बराबर कितना निकालना है, 1 निकालना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें करते हैं तो 2401, तो दोस्तों 343 क्या होता है, 7 की पावर 3 होता है, ठीक है। 343 क्या होता है, 7 की पावर 3, तो इसमें 7 का गुणा करके देखते हैं तो ये कितना आएगा, 7 21 7 2 7 4 28 29 30 3, ठीक है। 7 21 24, ठीक है। 2401 दोस्तों क्या पता चल गया हमको, 7 की पावर 4 होता है, क्या होता है, 7 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, 7 की पावर 4, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे, ठीक है। एक्स बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स बट्टे 5 कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों और बात करते हैं इसमें गुणा, यहाँ पे कितना दोस्तों, 49 है, तो 49 को हम 7 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 का उसका हो जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.245, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा वो देखते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख सकते हैं इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अभी कैलकुलेटिव, ठीक है। एक आधो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इसलिए हमने ले लिया आज प्रैक्टिस में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 4 चौक 16 हुआ, ठीक है, कितना हुआ 4 चौक 16, ठीक है, तो 16x हुआ, 16x बराबर 5 3 15, ठीक है। तो x बराबर कितना निकला गया दोस्तों, 15/16, x बराबर दोस्तों कितना निकला है 15/16, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x का मान कितना निकला दोस्तों, x का मान निकला आया 15/16, ठीक है भाई, कितना निकला 15/16, 15/16 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। यदि 10 भिन्न सकारात्मक पूर्णांकों का योग कितना दोस्तों 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभाव्य संख्या कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर निकालनी सबसे बड़ी संभाव्य संख्या कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर 10 क्या लेते हैं, सकारात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो दोस्तों हम क्या लेते हैं दोस्तों, हमने ले लिए दोस्तों एक, क्या क्या ले लिए दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है, और क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस एक्स ले लेंगे, ठीक है, बराबर कितना दे रखा दोस्तों 100, ठीक है दोस्तों। 1 से 10 तक का योग कितना होता है, 1 से 10 तक का योग होता है 55 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तक है, 9 तक है, तो यहाँ पे कितना योग हो जाएगा दोस्तों, इनका कितना योग होगा, कितना योग होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45, तो 45 + x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो 45 घटा देंगे 100 में तो कितना बचेगा दोस्तों 55, ठीक है। तो 55 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या निकला, 55, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या राइट आंसर निकला, 55, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना दोस्तों, 3 की पावर कितना दे रखा है दोस्तों, 3 की पावर दे रखा है 90 + 5 की पावर 90 को 34 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, ठीक है। तो अब शेषफल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होगा दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 3 की पावर कितना दे रखा है, 3 की पावर कितना दे रखा है दोस्तों 90, ठीक है, कितना दे रखा है 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर कितना दे रखा है 90, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको 3 की पावर में करते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 2, ठीक है, और क्या है यहाँ पे दोस्तों 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 × 2 = 90, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, और हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5, तो 5 की पावर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 5 की पावर 2 × 45, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर कितना हुआ दोस्तों 45 हुआ, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों 25 की पावर कितना हुआ 45 हुआ, ठीक है, 25 की पावर कितना हुआ 45 हुआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना कितना हुआ तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना है कितने से दोस्तों, 34 से करना है, किससे डिवाइड करना है, 34 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन इज क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, क्या है दोस्तों, एन की पावर क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, ये क्या है दोस्तों, एक ऑड नंबर है, तो इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए प्लस बी हो जाएंगे। तो दोस्तों इनके फैक्टर क्या बने, इनके फैक्टर बने दोस्तों, क्या बने दोस्तों, 9 + 25, तो 9 + 25 को अब किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 34 से, ठीक है। तो दोस्तों 9 तो 9 रिमाइंडर बचेगा इसका, ठीक है, क्या शेष पर बचेगा इसका, तो 9 बचेगा, ठीक है। अगर 34 में इसमें करेंगे तो दोस्तों इसमें कितना बचेगा, तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। 34 से 25 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का रिमाइंडर ले लेंगे, तो माइनस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो 34, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 0, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है, कितना हुआ 0 होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको जोड़ लो, ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 और 9 कितना हुआ, 25 और 9 कितना हुआ दोस्तों 34, तो 34/34 34 से 34 कट जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों,
जीरो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, पी का 4/3, पी का 4/7 क्यू के 12/14 के बराबर है, क्यू के 12/14 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। क्या है, क्यू के 12/14 के बराबर है। तो अब इसमें क्या करना दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पी का कितना दोस्तों, पी का कितना दोस्तों 4/7 बराबर क्यू के कितने दोस्तों, क्यू के कितने 12/14 के, ठीक है, 12/14 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेंगे इसको, दो से इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो दोस्तों, पी गुणा 8 हो गया, ठीक है। पी गुणा 8 बराबर क्यू गुणा कितना हो दोस्तों, 12 है, ठीक है। क्यू गुणा 12 है, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पी का मान कितना निकलाएगा दोस्तों, पी का मान कितना निकलाएगा वो आप देख सकते हैं, इसमें पी का मान कितना निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक दूसरा क्रॉस हो जाएगा, तो पी का मान निकलाएगा दोस्तों 3 निकलाएगा, ठीक है। पी का मान कितना दोस्तों, पी का मान ये वाला हो जाएगा 3, क्यू का मान इसके सामने, क्यू के सामने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पी अनुपात क्यू कितना निकलाएगा दोस्तों, पी अनुपात क्यू कितना निकलाएगा, 3:2, ठीक है। पी अनुपात क्यू कितना निकला दोस्तों, 3:2। तो 3:2 दोस्तों इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों वो देखते हैं, पी अनुपात क्यू कितना दे रखा है दोस्तों, P अनुपात Q कितना दे रखा है दोस्तों, 9:7 कितना दे रखा है, 9:7 दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है P-Q/P+Q, ठीक है। तो P कितना दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है, तो 9 में से 7 के दोस्तों कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों, P+Q, तो P+Q 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16, ठीक है। तो इसको काट लेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 1:8, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकलेगा, 1:8, 1:8 ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर/आवर्स और 16 किलोमीटर/आवर्स की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो दोस्तों चाल क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी दोस्तों, 16 और 12, 16+12, तो स्पीड क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। स्पीड जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे दोस्तों कितनी हो जाएंगी वो देखते हैं, ठीक है। 6 और 2 = 8, ठीक है, और 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हुई दोस्तों, 28, ठीक है। स्पीड कितनी हुई, 28 स्पीड हो गई। अब दोस्तों क्या बोला गया है इसमें वो देखते हैं, एक दूसरे की ओर तरफ शुरू किया, ठीक है। 1 घंटे और 30 मिनट बाद कितना दोस्तों, 1 घंटे 30 मिनट बाद, तो 1 घंटा 30 मिनट बाद का क्या करते हैं दोस्तों, वो 1 घंटे 30 मिनट तो समय निकालेंगे दोस्तों, तो 1 घंटा 30, तो 1 घंटा 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30/60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, तो 1 सही 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2, ठीक है। कितना घंटे निकलाए दोस्तों, 3/2 घंटे, ठीक है। तो 3/2 घंटे निकला है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी निकालनी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी निकालनी है हमको, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो दूरी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 × समय, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे इसको, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अब हमको कितनी दूरी, चाल बनी हमारी दोस्तों 28, ठीक है। गुणा कर देंगे, कितना निकला था अभी दोस्तों, 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो दोस्तों, 2 से इसको काट लेंगे, कितनी बार, 14 बार, ठीक है। 14 × 2 = 28, 14 × 3 कितना हुआ दोस्तों, 42, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, 42। तो 42 क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या निकल आया, 42, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 42, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर/आवर्स की गति से चले तो एक निश्चित समय में 6 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। कि तो यहाँ पे हम पहले दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों, 8 × 6, ठीक है। तो
तो 8 × 48 तो दूरी कितनी हुई दोस्तों, दूरी कितनी चली वो 48 किलोमीटर की दूरी चला, ठीक है। तो 48 किलोमीटर दूरी चला, ठीक है। अब वह दूसरी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर हावर्स की गति से चले, तो वो कितने समय में, तो दूरी हमें दे रखी है कितनी दोस्तों, 48 दे रखी है, ठीक है। अब कितनी चाल से चल रहा है, 12 से तो हमें क्या निकल आएगा दोस्तों, समय निकल आएगा, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48, ठीक है। तो 4 घंटे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या करना दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 सायं पहुंचती है, ठीक है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 6 बजे से तो चलती है, 4:30 बजे छूटती है, तो कितने घंटे हुए दोस्तों, कितने घंटे हुए यहाँ पे, 1/2 घंटे 10.5 घंटे हुए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय कितना हो जाएगा, 10^2 को करेंगे तो 10 टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/2। समय कितना निकलाएगा दोस्तों, 21/2 निकलाएगा, ठीक है। समय कितना निकलाएगा दोस्तों, 21/2 निकलाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी की गति कितनी दे रखी दोस्तों, 40 किलोमीटर पर हवस दे रखी है, ठीक है। हमको निकालनी है दूरी, तो गुणा कर देंगे इसमें कितने का दोस्तों, 40 का, ठीक है। तो इसको काट लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21 × 42, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 420 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकला दोस्तों, 420 किलोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, गेहूँ के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में कितने 50 ग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितने गेहूँ खरीदे जा सकता था, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो रहा होगा दोस्तों, 9 हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 से क्या हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या निकला है दोस्तों, ये निकला है क्या, प्राइस, ठीक है। हमको क्वांटिटी निकालनी, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 9 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1 का, ठीक है। क्वेश्चन में कितने का दोस्तों, 50 ग्राम का, ठीक है। अब इसमें निकलवाया क्या है दोस्तों, कमी से पहले, तो कमी क्या हुई है, यहाँ पे हुई है दोस्तों, कमी हुई है, कमी से पहले कितना था दोस्तों, 9, तो 9 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9×45, 450 ग्राम। तो दोस्तों 450 ग्राम इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 450 ग्राम क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही करे, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों।